सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड आज के ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईएमजी के बारे में, इलेक्ट्रोमायोग्राफी। अगर आप प्रोसीजर की बात करो तो उसे इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहा जाता है, अगर आपके हाथ में रिजल्ट है तो इलेक्ट्रोमायोग्राफ कहा जाता है। आज डिटेल में ये टेस्ट के बारे में हम जानने वाले हैं, हो सके तो वीडियो को अंत तक ज़रूर से देखें। यहाँ पर वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले, अगर आप मेडिकल गुरुजी चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो, अगर अभी तक आपने मेडिकल गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। अब हम स्टार्ट करते हैं कि ईएमजी टेस्ट क्यों करवाया जाता है। अब इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होता है तो डॉक्टर शायद से ईएमजी टेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं। मसल नंबनेस बहुत ही, लाइक आपको ऐसा फील होगा कि मसल है ही नहीं, बहुत ही वीक हो जाएगी आपके मसल। आप अगर कुछ पकड़ना चाह रहे हो तो आप नहीं पकड़ पा रहे हो, ऐसी कोई चीज़ हो रही है, मसल में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। ये ज़्यादातर होता है स्पॉर्ट्स इंजरीज़ में, फिर है पैरालिसिस। ये सारे केसेस में डॉक्टर पेशेंट को ईएमजी सजेस्ट करते हैं, जिससे पता चलता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है ताकि डॉक्टर उसे प्रॉपरली ट्रीट कर पाए। अब हम बात करेंगे ईएमजी टेस्ट के पार्ट के बारे में। दोस्तों ये एक टेस्ट है जिसके अंदर दो सब टेस्ट है। पहला जो है उसे कहा जाता है नर्व कंडक्शन स्टडी और दूसरा जो है उसे कहा जाता है नीडल इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पे ये टेस्ट के अंदर शॉक पेशेंट को दिया जाता है, यहाँ पे कोई भी शॉक नहीं होता है, लेकिन जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो नीडल इलेक्ट्रोड, तो यहाँ पे पेशेंट को नीडल इंसर्ट की जाती है। तो यहाँ पे ये टेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं पेनफुल ज़रूर से रहता है। जो ये पहला वाला पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा पेनफुल रहता है और ये जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको ज़्यादा डिसकम्फर्ट फील होगा। पेनफुल तो है लेकिन इतना नहीं कंपेयर टू नर्व कंडक्शन स्टडी, लेकिन ये थोड़ा डिसकम्फर्ट रहता है। क्यों आगे आप ये वीडियो में समझ जाओगे। यहाँ पे मैं इसलिए ये सारे जो वीडियो की सीरीज अच्छे से आपको समझा पाऊँ, इसलिए मैं आपको जो है वो डेस्कटॉप वर्जन में वीडियो बना के दे रहा हूँ ताकि आप सारी चीज़ें ग्राफिक्स के साथ ठीक से समझ पाओ। अब यहाँ पे हम नज़र डालते हैं नर्व कंडक्शन स्टडी पे। दोस्तों यहाँ पे नर्व कंडक्शन स्टडी की शुरुआत वहाँ से होती है। सबसे पहले मोस्टली क्या किया जाता है, जो पेशेंट के हाथ है, अगर हाथ पे हो रही है तो हाथ पैरों पे हो रही है तो पैर को गर्म पानी में भिगो दिया जाता है ताकि वो थोड़े क्लीन हो जाए और रिपोर्ट जो है वो अच्छा जनरेट हो सके। उसके बाद इस तरह के इलेक्ट्रोड्स जो है वो जिस एरिया में प्रॉब्लम है वहाँ पर एरिया कैलकुलेट करके कनेक्ट किए जाते हैं। ये सारे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो मसल के रिस्पॉन्स को कंप्यूटर स्क्रीन तक लेके जाते हैं और वहाँ पे एक ग्राफ और न्यूमेरिकल डेटा हमें मिलता है। ये जो सारे इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे यूज़ होते हैं वो नॉर्मल इलेक्ट्रोड्स नहीं होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ऐसा मटेरियल होता है जो बहुत ही छोटे से छोटे करंट को भी कैप्चर कर सके, या फिर सिल्वर के होते हैं या गोल्ड के होते हैं, ऐसे मटेरियल से बने होते हैं ये इलेक्ट्रोड्स। अब ये जो आप देख रहे हो एक शॉक देने वाला डिवाइस है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नर्व कंडक्शन स्टडी में शॉक दिया जाता है, तो यहाँ पे ये जो छोटा सा डिवाइस है उससे पेशेंट को शॉक दिया जाता है। अब बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर को क्या पता चलता है, जैसे यहाँ पे शॉक दिया जाता है डॉक्टर को पता चलता है कि आपके बॉडी में जो न्यूरॉन्स है, अब अगर आपको नहीं पता है कि न्यूरॉन्स क्या है तो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। न्यूरॉन्स आपकी बॉडी में जब भी कोई इलेक्ट्रिक एक्टिविटी जनरेट होती है तो एक पार्ट से ये ब्रेन तक जो सिग्नल जाता है वो न्यूरॉन्स लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आपके न्यूरॉन्स आपके मसल के साथ कैसा कम्युनिकेट करते हैं वो ये स्टडी में पता चलता है, तो इसलिए ये टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। अब ये टेस्ट ख़त्म करने के बाद दूसरा जो टेस्ट है वो है नीडल इलेक्ट्रोड। बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पे कोई भी शॉक नहीं दिया जाता है लेकिन यहाँ पे एक नीडल को इंसर्ट किया जाता है एंड पेशेंट को ऐसा कहा जाता है कि आप बॉडी के कोई पार्ट को आप मूव कीजिए। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो ईएमजी जनरेट हो रहा है वो दो तरीके का ईएमजी डॉक्टर को मिलता है, एक रेस्ट कंडीशन का जहाँ पे नीडल को इंसर्ट नहीं किया गया है, दूसरा होगा जो होगा कॉन्ट्रैक्शन कंडीशन का जब ये नीडल को इंसर्ट किया जाएगा। बेसिकली होता क्या है, अगर आपको आसान भाषा में समझाऊँ
मैं आपको एक फ्लो समझा देता हूँ, ये इसको मैं थोड़ा इधर रख देता हूँ, इसमें ही समझाता हूँ। जब भी आपकी बॉडी में कोई हरकत होती है, मान लीजिए आपने आपको कोई चीज़ चुभी है, मान लीजिए वो नीडल है, तो बेसिकली क्या होता है कि जिस एरिया में, मान लीजिए वो यहाँ पे चुभी है, तो वहाँ से न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाएगी और वहाँ से सिग्नल जाएगा ब्रेन तक। ये जो सारी प्रोसेस होती है, यहाँ पे मान लीजिए हैंड पे आपने नीडल को छुपाया है, तो वहाँ से सीधा सिग्नल चला जाएगा ब्रेन तक, और फिर ब्रेन से वो सिग्नल वापस वहाँ पे आएगा मसल में कि वहाँ पे कुछ हो रहा है, आप कोई हरकत कीजिए। मान लीजिए अगर कोई चुभ जिस कोई चीज़ जो चुभ रही है, तो उसे आप हाथ वहाँ से हटा लीजिए, तो वहाँ फिर एक्शन होता है। तो बेसिकली ये स्टेप्स होते हैं, और ये जो स्टेप्स होते हैं वो सारे माइक्रो सेकंड्स में हो जाते हैं, माइक्रो सेकंड्स में ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, जब निडल को इंसर्ट किया जाता है, उससे पहले रिस्ट ईसीजी आएगा, जब इसे इंसर्ट किया जाएगा तब क्या होगा कि जो हमें ईएमजी मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्शन फेज वाला मिलेगा, तब जो है वो न्यूरॉन्स ऑलरेडी सिग्नल भेज चुके हैं, तब कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे पता चलेगा कि जो रेस्ट कंडीशन है एंड कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन, कॉन्ट्रैक्शन वाली कंडीशन है, उसका ईएमजी क्या है। अब ये सारा जो डेटा है वो डॉक्टर गैदर करके एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं, जिसमें पता चलता है कि बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे है। अब हम कुछ स्टैटिस्टिक्स एंड फैक्ट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे कि ये टेस्ट की प्राइस क्या है, तो प्राइस वेरी करती रहती है, 2000 रुपये से लेके 4000 रुपये तक ये टेस्ट की प्राइस हो सकती है। यहाँ पर रिस्क जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये पेनफुल टेस्ट है। यहाँ पे अगर आप उसी इसकी कंपैरिजन ईसीजी या फिर ईजी से करोगे तो ये टेस्ट काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। ईसीजी ईएमजी या ईसीजी ईजी में कोई भी रिस्क नहीं होता है। एक और टेस्ट बचता है ईओजी, जिसके बारे में अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, मैं यहाँ पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। जैसे कि आपको पता है मैं ईसीजी पे बना चुका हूँ, ईजी पे बना चुका हूँ, आज मैं ईएमजी पे बना रहा हूँ ईओजी। बाकी अगर आपको ईओजी के बारे में भी जानना है डिटेल में, तो मुझे आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पे अगर टाइम की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट से लेके 60 मिनट्स तक का समय जो है वो लग जाता है। यहाँ पे अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको कहीं पर भी पढ़ने नहीं मिलेगी। बेसिकली ये जो टेस्ट परफॉर्म होते हैं, स्पेशली ईजी एंड ईएमजी, वो एक ऐसे रूम में परफॉर्म होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो परफेक्ट होती है, कोई भी अर्थिंग का इश्यू वहाँ पे नहीं होता है। बेसिकली इससे क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि ये जो सारे टेस्ट है इसमें जो सिग्नल की स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा पुअर होगी, उसे काफ़ी गुना एम्पलीफाई किया जाता है। जब एम्पलीफाई होता है तब जाके सिग्नल हमें अच्छी तरह से मिलती है। तो ये रूम जो होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पे बहुत ही अच्छा फोकस किया जाता है ताकि रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट मिले। तो यहाँ पे ये वीडियो में मैंने आपको ईएमजी के बारे में जितनी भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर से करो, शेयर करो अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि उन्हें भी पता चले कि ईएमजी टेस्ट क्या है, क्यों करवाया जाता है, रिस्क क्या है, सारी चीज़ें उनको भी पता चल सके। अगर आपको ऐसे वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेडिकल गुरुजी चैनल को, और साथ ही दबाइए बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। मैं ऐसे वीडियोज़ के साथ एवरी ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे आता हूँ, तो जल्दी ही एक फ्रेश कॉन्टेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।